ऑनलाइन 30 लेक्चर्स की जानिब से आप सब नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो को आपको मिलते रहे। तो अब हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो रिसाइकलिंग क्या होती है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं या क्या इसका पर्पस है, इसके अलावा जो मुख्तलिफ मटेरियल्स हैं उनकी रिसाइकलिंग के बारे में पढ़ते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, तो रिसाइकलिंग क्या चीज़ है, रिसाइकलिंग इट इज ए प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस इन विच used or waste materials, used or waste materials are not discarded, discarded after their initial use. And processed so that they can be used again. They can be used again. So recycling kya hai? It is the process in which used materials, used or waste materials are not discarded, उनको फेंक नहीं दिया जाता after their initial use, अपने पहले इस्तेमाल के बाद, इब्तदाई इस्तेमाल के बाद उन्हें फेंक नहीं दिया जाता, but processed, बल्कि उनको process कहता है, so that but These are processed so that they can be used again. उनको process किया जाता है ताकि उन्हें दोबारा जो है काबिल इस्तेमाल बनाए जा सके, इसे कहते हैं recycling. अब जो mostly common जो domestic materials हैं, common domestic materials which are used, which are recycled common materials which are recycled are common domestic recycled materials which are recycled are plastic, paper, glass and aluminium. आम जो domestic material हैं जिनकी recycling की जाती है वो ज़्यादातर plastic है, paper है, glass है, aluminium है। तो अब इसके जो advantages है, इसका क्या है advantages? एडवांटेज या इसका पर्पस जो है, रिसाइकलिंग का क्या फायदा है? रिसाइकलिंग से नंबर एक इसके जो एडवांटेज है, मेरे एडवांटेज फर्स्ट तो ये है, वॉल्यूम ऑफ वेस्ट मटेरियल इज मच रिड्यूस्ड। दूसरा ये है कि इट रिड्यूसेस एयर पोल्यूशन। तीसरा ये है कि इट सेव्स एनर्जी। और इसका जो मेन पर्पस है, वो पर्पस भी यही है, इट्स मेन पर्पस
its main purpose is to conserve waste materials, conserve the sources such as materials base materials and energy. इसके एडवांटेज क्या है? वेस्ट मटेरियल का वॉल्यूम काफी हद तक कम हो जाता है, एयर पोल्यूशन को भी ये कम करता है, एनर्जी को भी ये सेव करता है, एनर्जी सेविंग प्रोसेस है। इसका मेन पर्पस भी यही है, सोर्सेज का तहफ़ुज़, जैसे कि वेस्ट मटेरियल्स हो गए और एनर्जी, मटेरियल्स एंड एनर्जी इनका जो है वो वेस्ट मटेरियल या रॉ मटेरियल कह रहे हैं, रॉ मटेरियल या वेस्ट मटेरियल इसका। अब जो है हम पढ़ते हैं रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। इस हेडिंग में दो चीजें हैं हमारे सिलेबस में, एक है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, एक तो हम ये पढ़ेंगे और दूसरा रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर जो मेजर आइटम है, जो लार्जेस्ट आइटम है, जो हमारे पाकिस्तान में या दुनिया में जो जिसको रिसाइकल कहते हैं वो न्यूज़पेपर है। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर द लार्जेस्ट आइटम which is recycled is newspaper, in the recycling of newspaper release of chlorine or other bleaching acids and organic solvents is less as compared to the formation of these compounds during the recycling of virgin newspaper. Virgin newspapers. To improve the whiteness of paper, जो है इसको इंप्रूव करने के लिए इट इज ब्लेंडेड इस पेपर को ब्लेंड किया जाता है विथ वर्जन न्यूज पेपर वो होता है जिससे पहले रिसाइकल ना किया गया हो, वर्जन न्यूज पेपर और पेरोक्साइड्स और इट इज ट्रीटेड विथ पेरोक्साइड एंड हाइड्रोसल्फाइड्स तो हाइड्रोसल्फाइड्स के साथ
इन रिसाइकलिंग प्रोसेस फाइबर्स फाइबर्स ऑफ पेपर बिकम शॉर्टर सो इट कैन बी रिसाइकल्ड अगेन एंड अगेन फॉर फाइव टाइम्स. तो ये है आमतौर पर ज्यादा जो आइटम रिसाइकल करते हैं वो न्यूज़पेपर है अखबार. अब न्यूज इन द रिसाइकलिंग ऑफ पेपर न्यूज पेपर की रिसाइकलिंग के दौरान क्लोरीन या दूसरे ब्लीचिंग एसिड्स या आर्गेनिक सॉल्वेंट का जो अखराज होता है वो एज कम्पेयर टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड ड्यूरिंग द रिसाइकलिंग ऑफ वर्जिन न्यूज पेपर की रिसाइकलिंग या फॉर्मेशन के दौरान मैन्युफैक्चर में जो है बल्कि मैन्युफैक्चर लिखे इन द मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर वर्जन न्यूज पेपर की मैन्युफैक्चर के दौरान इन कंपाउंड के बनने से एक रिलीज जो होता है अखराज कम होता है. पेपर की वाइटनेस को इम्प्रूव करने के लिए इस पेपर को किसके साथ ट्रीट किया जाता है वर्जन न्यूज पेपर के साथ या बहुत सारे इसे ट्रीट किया जाता है पर ऑक्साइड या हाइड्रोसल्फाइड के साथ. रिसाइकलिंग प्रोसेस में पेपर के जो फाइबर्स होते हैं वो छोटे हो जाते हैं इसलिए इसको इस पेपर को तकरीबन बार बार तकरीबन 5 मरतबा जो इसे रिसाइकल किया जाता है. इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा जो आइटम है जो ज्यादा रिसाइकल करता है प्लास्टिक है. प्लास्टिक की जो है रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक प्लास्टिक की रिसाइकलिंग कैसे की जाती है. प्लास्टिक की रिसाइकलिंग में 3 प्रोसेस हैं. देयर आर 3 प्रोसेस इन द रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक. वो 3 प्रोसेस कौन से हैं. फर्स्ट तो है रीप्रोसेसिंग और दूसरा है डीपॉलीमराइजेशन और तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन. There are 3 processes in the recycling of plastic: reprocessing, depolymerization, or transformation. तो reprocessing क्या है? Reprocess. इस process में क्या करते हैं? In this process, used plastics या waste plastics, used plastic जो हैं are remelted and used for the manufacture of different products. तो रीप्रोसेसिंग में क्या होता है. इस प्रोसेस में यूज्ड प्लास्टिक्स या जो वेस्ट प्लास्टिक्स होते हैं उनको दोबारा मेल्ट किया जाता है और फिर ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं. मिसाल के तौर पर पॉलीस्टाइरीन पॉलीस्टाइरीन ये प्लास्टिक है इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फोम पैकेजिंग कटलरी एंड फर्नीचर बट आफ्टर
but after reprocessing it is used in toys and trays, etc. अब हम आते हैं डीपॉलीमराइजेशन की तरफ। ये डीपॉलीमराइजेशन क्या है? पॉलीमराइजेशन का उलट है। इसमें जो यूज्ड प्लास्टिक होते हैं, याद रहे जो प्लास्टिक हैं ये पॉलीमर हैं। डीपॉलीमराइजेशन में जो यूज्ड प्लास्टिक हैं या वेस्ट प्लास्टिक हैं, इनको हीट के जरिए, कैटलिस्ट के जरिए इनको डिकम्पोज किया जाता है इनके ओरिजिनल कंपोनेंट्स में। अब कैसे करते हैं ये डीपॉलीमराइजेशन? It is the process, in this process, in which used plastics are converted back into their original components. By chemical or thermal process, यानी heat के जरिए, pH thermal process. मिसाल के तौर पर polyethylene, इसकी example क्या है? Polyethylene, terephthalate, polyethylene terephthalate is heated in the presence of catalyst and heat. So it is decomposed, that is converted into its, it is converted into its monomers, yeah, components. तो ये है डीपॉलीमराइजेशन में क्या होता है। इसमें यूज्ड प्लास्टिक को कन्वर्ट किया जाता है हीट के जरिए, केमिकल प्रोसेस या हीट के जरिए अपने ओरिजिनल कंपोनेंट्स में। मिसाल के तौर पर पॉलीइथाइलीन टेरिफ्थैलेट, ये एक प्लास्टिक है, पॉलीमर है, इसको कैटलिस्ट की मौजूदगी में हीट करते हैं तो ये अपने मोनोमर्स में, अपने ओरिजिनल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं लास्ट जो प्रोसेस है, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन में यही होता है कि जो यूज प्लास्टिक है उसको, जो ओरिजिनल प्लास्टिक है उसको लो क्वालिटी सब्सटेंसेस में, मोनोमर्स में कन्वर्ट किया जाता है और जो दूसरे मटेरियल्स की प्रोडक्शन में यूज होते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? इट इज ए प्रोसेस इन विच यूज्ड प्लास्टिक्स आर कन्वर्टेड इनटू लो क्वालिटी सब्सटेंसेस या लो क्वालिटी सब्सटेंसेस which are then used for the production of other materials. Thank you.
मिसाल के तौर पर पॉलीइथाइलीन प्लास्टिक है, पॉलीइथाइलीन पॉलीइथाइलीन प्लास्टिक जो है पॉलीइथाइलीन इज क्रैक्ड व्हेन हीटेड इट क्रैक्स इट्स मोनोमर पीथी विच इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ लुब्रिकेंट। तो ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें यूज या वेस्ट जो प्लास्टिक होता है उसको लो क्वालिटी सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है और फिर वो लो क्वालिटी सब्सटेंस उनको फिर दूसरे मटेरियल की प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। इसकी एग्जांपल है जैसे पॉलीथिलीन। तो पॉलीथिलीन जब हीट करते हैं तो ये क्रैक हो जाती है, टूट हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है अपने मोनोमर इथीन में, और ये इथीन जो है लुब्रिकेंट की तैयारी में इस्तेमाल होती है। इस तरह जो है ये प्लास्टिक की जो है वो रिसाइकलिंग की जाती है। तो आज का टॉपिक यही खत्म होता है।